हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक पास मास्टर। सो ये हमारा वीडियो नंबर फोर्थ है टिप कैलकुलेटर ऐप का, जो कि हमारा ये लास्ट पार्ट होगा टिप कैलकुलेटर ऐप की सीरीज़ का। सो अगर आपने इस सीरीज़ की लास्ट वीडियोस को नहीं देखा है तो उसको जाके चेकआउट कर लीजिए, जिससे कि इस वीडियो को अंडरस्टैंड करने में आपको ईजी रहेगा। तो सारी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। सो आज के इस वीडियो में हम टिप कैलकुलेटर ऐप को कंप्लीट कर लेंगे। सो इस वीडियो को हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमने लास्ट वीडियो तक कंप्लीट किया था। सो अभी स्टार्ट कर लेते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो को। सो नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो भी हमारा टिप कैलकुलेट हुआ है उसको हमें कॉपी करना है और शेयर भी करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे ही हम कैलकुलेट वाले टिप पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे दोनों बटन जो है कॉपी के लिए है और जो शेयर के लिए है वो दोनों इमेज क्या होने चाहिए, विजिबल होने चाहिए, जिससे कि हम उस पर क्लिक करके कुछ एक्शन परफॉर्म कर पाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम फटाफट जाते हैं यहाँ पे कॉपी टिप रिजल्ट के अंदर। सो इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या लेंगे, वैल लेते हैं और यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं क्लिप क्लिपबोर्ड मैनेजर। क्लिपबोर्ड मैनेजर के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे गेट सर्विस सिस्टम सर्विस लेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे हम पास करेंगे क्लिपबोर्ड क्लिपबोर्ड सर्विस और इसको कास्ट कर देंगे एज क्लिपबोर्ड मैनेजर। एंड उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एक लेंगे क्लिप डेटा एंड यहाँ पे लेंगे क्लिप डेटा एंड उसके बाद यहाँ पे करेंगे डॉट न्यू प्लेन टेक्स्ट लेना है यहाँ पे। एंड उसके बाद ये जो टेक्स्ट होगा उसमें हम पास करेंगे एज ए टेक्स्ट होना चाहिए हमारा। एंड उसके बाद यहाँ पे करेंगे कॉमा, कॉमा करने के बाद यहाँ पे हम पास करेंगे जो भी हमारा टिप रिजल्ट होगा उसको। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉपी टिप रिजल्ट और ये हमारा होगा स्ट्रिंग टाइप का और इसको हम पास कर देंगे यहाँ पे। तो इस फंक्शन को जब हम पास करेंगे यहाँ पे जो हमारा कॉपी टिप है इसके अंदर हम एक फॉर्मेट बनाएंगे, जितने भी हमारे रिजल्ट के टेक्स्ट व्यू हैं उनको हम क्या करेंगे एक फॉर्मेट बना के इसके अंदर पास करके उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पे क्लिपबोर्ड मैनेजर है इसको यहाँ से लेते हैं और डॉट करेंगे सेट प्राइमरी क्लिप और इसके अंदर हम पास कर देंगे अपना क्लिप डेटा और सिंपल से एक पोस्ट प्रिंट करा देते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट है वो यहाँ पे कॉपी हो चुका है। यहाँ पे पोस्ट में क्या हम करते हैं टिप कॉपी। सेम ऐसे हम क्या करते हैं यहाँ पे शेयर के लिए लगाते हैं, तो शेयर में भी हम क्या करेंगे सिंपल सा ये जो हमारे पास स्ट्रिंग है इसको पास करते हैं बट यहाँ पे कॉपी की जगह पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं शेयर और यहाँ पे पास कर देते हैं स्ट्रिंग। एंड शेयर का जो लॉजिक है वो हमारा इस टाइप से है कुछ, वेल सेंड इंटेंट एंड उसके बाद इसको हम करेंगे यहाँ पे इंटेंट, इंटेंट करने के बाद इक्वल टू करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इंटेंट और डॉट अप्लाई। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे एक्शन, एक्शन करने के बाद यहाँ पे करेंगे इंटेंट और इंटेंट में जो एक्शन टाइप है वो हम यहाँ पे रख देंगे सेंड सेंड। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे पुट एक्स्ट्रा एंड पुट एक्स्ट्रा के अंदर हमें पास करना है इंटेंट डॉट एक्स्ट्रा टेक्स्ट एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टेक्स्ट और कॉमा करके जो हमारा यहाँ पे शेयर टिप रिजल्ट है इसको हम पास करते हैं इसके अंदर। एंड उसके बाद जो टाइप है वो टाइप भी पास करते हैं कि जो टाइप का फॉर्मेट है वो कौन सा होना चाहिए। तो टाइप हमारे जैसे हमने यहाँ पे पास किया था यहाँ पर प्लेन है और टेक्स्ट है वैसे हमें यहाँ पे भी टाइप पास करना है। तो यहाँ पे पास करेंगे टाइप इज इक्वल टू और स्ट्रिंग में पास कर देंगे टेक्स्ट और स्लैश करके यहाँ पे कर देते हैं प्लेन। और उसके बाद जो हमारा सेंड डेटा है सेंड इंटेंट है इसको हम यहाँ पे कॉल करवाते हैं तो इसको लिखेंगे शेयर इंटेंट इज इक्वल टू इंटेंट डॉट क्रिएट चूजर एंड उसके बाद सेंड इंटेंट और यहाँ पे पास कर देंगे ना। तो यहाँ पे दो पैरामीटर पास करने थे, एक तो हमारा डेटा था और यहाँ पे टाइटल, टाइटल अभी हम यहाँ पे डालें। एंड उसके बाद हम करेंगे स्टार्ट एक्टिविटी इसके अंदर पास कर देंगे शेयर इंटेंट। तो ये हमारा जो लॉजिक है वो हमारा कॉपी के लिए ये लॉजिक है और शेयर करने के लिए हमारा ये लॉजिक है। तो यहाँ पे आप देखोगे हमने यहाँ पे अप्लाई का यूज किया है, अप्लाई का हमने इसलिए यूज किया है कि अगर हम यहाँ पे अप्लाई का यूज नहीं करेंगे तो बार बार हमें क्या होगा सेंड इंटेंट डॉट एक्शन सेंड इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा सेंड इंटेंट डॉट टाइप ऐसे हमें पास करना होगा, जैसे हमें विथ में हमने बाइंडिंग के केस में देखा था कि हमने जो बाइंडिंग था वो हमने रिमूव कर दिया विथ यूज करने के बाद, वैसे हमने अप्लाई करने के बाद सेंड इंटेंट का जो है वो हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया। अभी यहाँ पे एरर आ रहा है, एरर ये इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ से हमने इस फंक्शन के अंदर पास नहीं किया हुआ है जो हमारा रिजल्ट है वो। तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे जो रिजल्ट है वो बनाते हैं क्योंकि डायरेक्ट अगर हम इसको शेयर कर डायरेक्ट अगर हम मेंशन कर देते हैं इसके अंदर
जितने भी हमारा टोटल बिल है, टोटल रिजल्ट है, तो क्या होगा कि वो जो फॉर्मेट है जब हम सेंड करेंगे तो वो फॉर्मेट जैसे हमें दिख रहा है यूआई के अंदर, तो यूआई के अंदर देखोगे ऐसे हमारा कुछ दिखाई दे रहा है टोटल टिप, टोटल अमाउंट बिल, तो सेम एज फॉर्मेट में हमें भेजना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मेट बनाते हैं यहाँ से। तो फॉर्मेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वेल करते हैं और टिप फॉर्मेट करते हैं, यहाँ पे टिप टेक्स्ट फॉर्मेट कर देते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू लेते हैं और स्ट्रिंग में हमें क्या पास करना है, यहाँ पे डॉलर का पास करेंगे और स्ट्रिंग एंटीप्लेशन इसको बोलते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, टीवी जो है, टीवी टोटल बिल, यानी आप देखोगे यहाँ पे सबका जो टेक्स्ट है ये टीवी टोटल बिल, टीवी बिल प्लस टिप और टीवी पर पर्सन टिप और यहाँ पे टीवी टोटल पर पर्सन, तो ये जो टेक्स्ट व्यू है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे जाओगे तो ये आपका टेक्स्ट व्यू जो है वो यहाँ से सारा डिफाइन है, टीवी टोटल बिल। तो इसके थ्रू हम क्या करेंगे, जो भी इस टेक्स्ट के अंदर वैल्यू होगा उसको हम उठा लेंगे और उस शेयर कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टीवी टोटल टिप जो है वो हमने यहाँ पे ले लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से एंटर करने से पहले यहाँ पे स्लैश बैक स्लैश एन लगा लेते हैं। इससे क्या होगा, जो भी हमारा टोटल बिल होगा नेक्स्ट लाइन से हमारा ये वाला वैल्यू स्टार्ट होगा, जो हमारा नेक्स्ट है टीवी टोटल, टीवी टोटल बिल प्लस ये हो गया, यहाँ पे स्लैश एन करेंगे, स्लैश एन, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाने का रिक्वायर्ड नहीं है हमें। उसके बाद हम यहाँ से एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद फिर से डॉलर लगाते हैं और जो हमारा थर्ड है वो है टीवी टिप प्लस टिप पर्सन बैक स्लैश एन लगाते हैं, एंटर करते हैं और फोर्थ जो हमारा था वो हमारा था टीवी टोटल पर पर्सन, टीवी टोटल पर पर्सन ये हो गया। तो ये हमारा टिप जो है वो हमने फॉर्मेट कर लिया है सारा टेक्स्ट। एंड उसके बाद ये जो हमारा जितना भी हमारा ये फॉर्मेटेड टेक्स्ट है उसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमने असाइन कर दिया और इसको कॉपी करके सिंपल सम इसके अंदर पास कर देंगे और सेम एज हम क्या करेंगे, इसके अंदर भी सेम पास कर देंगे। तो अभी जो हमारा है टिप जो टेक्स्ट फॉर्मेटेड टेक्स्ट है वो हमारा इन दोनों के अंदर पास हो गया। तो जब भी हम शेयर करेंगे या कॉपी करेंगे तो ये हमारा जितना भी टेक्स्ट के अंदर वैल्यू होगा, यानी जो हमारा टेक्स्ट होगा वो सिंपल सा शेयर हो जाएगा। अभी यहाँ पे एक एरर दे रहा है, एरर ये दे रहा है कि क्लिप डेटा के अंदर, क्लिप डेटा के अंदर क्या पास करना है, न्यू प्लेन टेक्स्ट क्लिप बोर्ड सर्विस क्लिप डेटा डॉट न्यू प्लेन टेक्स्ट लेबल एंड लेबल के बाद टेक्स्ट पास करना है, तो यहाँ पे हम पास कर रहे हैं टिप डेटा। सो इसको भी रन करके टेस्ट करते हैं, मे बी सम कंपाइलर इशू हो, अगर कोई एरर होगा तो थ्रो करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, सॉरी यहाँ से ब्रैकेट लगाना है, इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद, और सॉरी यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट यूज कर लिया, इसको हटाना है यहाँ से। और अभी हम इसको रन करते हैं एंड अभी हम यहाँ पे देखते हैं ये हमारा कीबोर्ड फोकस हो गया 1000, ओके करेंगे काउंटर प्लस कैलकुलेट। तो अभी देखोगे हमने लॉजिक तो लगा दिया, फंक्शन को कॉल भी कर दिया, बट हमारे पास इमेज शो नहीं हो रहा है। क्यों इमेज शो नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने जो यहाँ पे जो इमेज लिया हुआ है, अगर आप देखोगे इस इमेज के अंदर जाओगे इमेज कॉपी, ये अभी गॉन है, यानी इसको बाय डिफॉल्ट जो विजिबिलिटी हमने यहाँ पे गॉन रखा हुआ है। क्यों, क्योंकि हमें ये तभी शो करना है जब हम कैलकुलेट करके टिप का जो रिजल्ट है वो शो करा देंगे, उसके बाद इन दोनों इमेज को हमें शो करना है। तो बट अभी हमारा जो इमेज है, हम कैलकुलेट पे क्लिक भी कर रहे हैं, हमारे पास अमाउंट जो है टोटल टिप का वो भी सब सारा कुछ आ रहा है, बट हमारा इमेज जो है शो नहीं हो रहा है। तो उसको शो कराने के लिए सिंपल सब क्या करेंगे, जो हमारा कैलकुलेट नेम का मेथड था, यहाँ पे जाते हैं कैलकुलेट बटन, कैलकुलेट टिप, तो इसके अंदर आते हैं और इसके अंदर आने के बाद हम क्या करेंगे, विजिबिलिटी जो है उसको हम क्या करेंगे, उसको विजिबल करेंगे। यहां से जैसे ही हमने बटन पे क्लिक किया और कैलकुलेट टिप करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपल सा इस फंक्शन को कॉल होते ही हम बटन को इमेज जो है हमारा कॉपी और शेयर का उसको विजिबल कर देंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा बाइंडिंग का यूज करेंगे, बाइंडिंग डॉट आई एम जी कॉपी टिप डॉट विजिबिलिटी इज इक्वल टू करेंगे और यहां पे लिखेंगे व्यू डॉट विजिबल और सेम हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद आई एम जी शेयर का कर देते हैं। सो यहाँ पे फंक्शन को कॉल होते ही हमारा यहाँ पे दोनों इमेज जो है विजिबल हो जाएंगे। बट इसमें एक इशू है, अगर हम फंक्शन को कॉल करते हैं और सपोज करो कि जो यूजर है उसने बिल का अमाउंट है वो डाला ही नहीं और वो कैलकुलेट वाले बटन पे डायरेक्ट क्लिक कर देता है, यानी कि उसने बिल का अमाउंट नहीं डाला
और डायरेक्ट वो इस कैलकुलेट वाले बटन पे क्लिक करता है, तो उस केस में हमारा कोई लॉजिक परफॉर्म नहीं होगा, तो हमारा क्या होगा, बटन विजिबल हो जाएगा, तो वो हमें नहीं करना है। वो हमारा बटन तब विजिबल होगा जब ये हमारा पूरा कैलकुलेशन होगा। तो इस बटन को, इस जो इमेज है, इसको हम कॉल कब कब करते हैं, जब हमारा टोटल बिल अमाउंट एम्प्टी नहीं रहेगा तब, यानी कि टोटल बिल अमाउंट इज नॉट एम्प्टी, देन उसके बाद हमारा इमेज कॉपी और शेयर का शो करेगा। अभी हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। तो इसको हो यहां से हम करते हैं रिमूव, एंड ये हमारा है टोटल टिप, एंड ये इस पे हम डालते हैं 1000, एंड उसके बाद यहाँ पे ओके लेते हैं, पर पर्सन टू कैलकुलेट करते हैं। अभी आप देखोगे हमारे पास कॉपी और शेयर का जो है यहाँ पे इमेज, वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो यूआई को आप सही कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो जैसे हमने यहाँ पे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे देखोगे टिप कॉपीड, तो यहाँ पे इसको पेस्ट करके देखते हैं कि फॉर्मेट कैसे जा रहा है। सॉरी, तो अभी देखोगे यहाँ पे जो रेफरेंस है टेक्स्ट का, वो यहाँ से ले रहा है, तो ये चीज हमें नहीं करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये तो यहाँ पे एक इशू है। इशू ये था कि जब हमने यहाँ पे फॉर्मेट बनाया, तो डायरेक्ट हमने क्या किया, यहाँ से टेक्स्ट व्यू में वो पास कर दिया, बट हमें टेक्स्ट व्यू के अंदर जो टेक्स्ट है वो लेना है। तो ये टेक्स्ट हो गया हमारा, ये टेक्स्ट आपको रखना है, डॉट टेक्स्ट, डॉट टेक्स्ट, डॉट टेक्स्ट। अभी यहाँ पे हमारा सही हो गया। अभी इसको रन करके टेस्ट करते हैं। बिल अमाउंट 1000 और 10% पर्सन काउंट टू कैलकुलेट। अभी हम कॉपी करते हैं, कॉपी हो गया, इसको यहां से पेस्ट, सॉरी, इस एप्लीकेशन को फिर से रन करते हैं। कॉपी और काउंटर प्लस कैलकुलेट, कॉपी, सो भी देखते हैं क्या इशू है इसके अंदर। टिप कैलकुलेट, सॉरी, यहाँ पे जो टिप कैलकुलेट है बटन के क्लिक पे नल जा रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, और ये जब बटन क्लिक होगा तो यहाँ पे इसको इसके अंदर कॉल करना है। तो अभी हम टिप कैलकुलेट के अंदर जो था वैल्यू, वो नल पास हो रहा था, बिकॉज ये जो वैल्यू था वो आउटसाइड ऑफ द लिस्टनर था, बट हमें क्या करना है, इसके अंदर इस लॉजिक को लगाना है, एंड उसके बाद शेयर में भी सेम केस करेंगे, और उसके बाद इस एप्लीकेशन को रन करते हैं। यहाँ से रखेंगे 1000 एंड 10% 2% कैलकुलेट, कॉपी, एंड उसके बाद पेस्ट। तो अभी देखोगे हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेटेड होके जो हमारा टिप का जो वैल्यू है वो यहाँ से आ रहा है। सेम केस हम यहाँ पे करते हैं शेयर के साथ। शेयर पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा शेयर का सारा कुछ आ गया, और इसको हम कीप नोट में रखते हैं। तो अभी आप देखोगे वैल्यू का जो फॉर्मेट ऐसे है, टोटल टिप 100, टोटल बिल अमाउंट दिस एंड दिस, एंड उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे सेव, इसको सेव कर। तो अभी आप देखोगे हमारे पास यहाँ पे जितनी भी फंक्शनलिटी है उसके ऊपर हमने यहाँ पे वर्क कर लिया, और सारा फंक्शनलिटी एकदम परफेक्ट तरीके से वर्क कर रहा है, यानी जो हमारा बेसिक टिप कैलकुलेटर का जो ऐप है वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है। होप सो आपने काफी कुछ लर्न किया होगा इसके अंदर। अगर आपने कुछ लर्न किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड ऐसे ही फ्यूचर में आपको स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट्स के बारे में और वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑन कर लेना नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।